हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज का लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है एक बहुत ही लाइटेस्ट पिंक कलर मैंने लिया है और इसे मैं अपनी न्यूट्रल शेड से एज ए न्यूट्रल शेड आई को डिफाइन कर रही हूँ। और आज का जो लुक है वो है डबल कट क्रीज, वो भी सिल्वर कलर में। तो सिल्वर डबल कट क्रीज का लुक है ये। अब मैंने एक प्रिसिशन ब्रश लिया है, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा डार्केस्ट पिंक कलर से इसको डिफाइन करूँगी अपनी क्रीज को, ठीक है। यहाँ पर ये जिस तरीके से आई के शेप को डिफाइन कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसको यहाँ पर मर्जिंग करते जाना है और ब्रश की हेल्प से इसको डिफाइन करते जाना है। थोड़ा सा डार्केस्ट लेंगे, ठीक है, सबसे पहले लाइटेस्ट के बाद, ताकि थोड़ा सा ट्रांजिशन क्रिएट हो दोनों कलर्स में और आई बिल्कुल भी एम्प्टी ना लगे। तो मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्केस्ट लिया है और इसके बाद अब मैं इसको स्मजिंग ब्रश से थोड़ा सा स्मज कर लूँगी ताकि दोनों कलर्स थोड़े से मर्ज हो जाएं और बिल्कुल एक जो है हार्श सी लाइन ना क्रिएट हो। और यहाँ मैंने बिल्कुल एम्प्टी ब्रश लिया है, ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं है और सिर्फ इसको ब्लेंड कर रही हूँ दोनों कलर्स को, लाइट एंड डार्क को। और अगेन जो है अपने प्रिसिशन ब्रश से थोड़ी डार्केस्ट कलर को अगेन जो है डिफाइन कर रही हूँ अपनी क्रीज को, ठीक है। जितनी अच्छी यहाँ पर क्रीजिंग और ब्लेंडिंग होगी उतनी ही अच्छा जो है वो क्रीज कट होगी। यहाँ पर मैंने ग्रूवी फेस का ब्रश लिया है जिससे मैं अपनी क्रीज को कट करूँगी और बहुत फाइन इसके मुझे ब्रिसल्स लगे हैं, बहुत ही प्रिटी है। सबसे ज़्यादा तो इसकी ये मुझे प्रिटीनेस बहुत अट्रैक्ट की इस ब्रश की जो लुक है वो, और काम करने में भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसके शार्प काफ़ी एजेस थे जिससे मेरी जो क्रीज है बहुत फाइन कट हुई है और एज़ यू कैन सी। और यहाँ पे बहुत लाइट सा कंसीलर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा एकदम से कंसीलर ऐड नहीं कर देना, अदरवाइज़ ये स्मज हो जाता है तो ये काफ़ी टैकल करना इसको मुश्किल होता है। फिर अगेन मैंने वही अपना प्रिसिशन ब्रश लिया है और उससे बहुत फाइन दोनों एजेस को फाइन किया है ताकि बिल्कुल जो है प्रॉपर अच्छे से लुक आए। अब मैंने यहाँ कंसीलर के ऊपर वाइट कलर का शेड ले रही हूँ, वाइट बिल्कुल आई शेडो ले लो, अगर किसी के पास वाइट शिमर है तो वाइट शिमर भी ले सकते हैं ताकि थोड़ा सा आई की बेस डिफाइन हो जाए क्योंकि यहाँ पर सिल्वर कट क्रीज है तो हमने ऊपर सिल्वर ही अप्लाई करना है, सिल्वर शेड। तो इसकी बेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि वाइट जो है वो शेड पहले अप्लाई कर लिया जाए तो उससे काफ़ी नीट एंड फाइन लुक आएगा। यहाँ पे मीनवाइल मैंने अपना वाइट काजल अप्लाई कर लिया है जो कि जेल लाइनर ही है और आजकल लुक थोड़ा सा सटल सा है, प्यारा प्यारा सा, और सेम जो है पिंक शेडो लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया है। यहाँ मीनवाइल मैंने मस्कारा अप्लाई करके थोड़ा सा हाइलाइटर भी सिल्वर कलर का इनर आइज पे और हाइलाइटर पे अप्लाई किया, सिल्वर कलर का हाइलाइटर। और अब मैं फाइनली अपना शिमर अप्लाई कर रही हूँ सिल्वर कलर में कट क्रीज पे और इट विल लुक मोर ड्रामेटिक। और ये स्वीट टच का सिल्वर जो है वो शिमर है, ठीक है। यहाँ टेपिंग रिमूव करके बिल्कुल क्लीन अप कर लेंगे और यहाँ मेरी आई लाइनर अप्लाई करते हुए थोड़ी सी वीडियो जो है वो कट हो गई है। तो मैंने यहाँ आई लाइनर अप्लाई किया है, लिक्विड आई लाइनर है ये, मैंने यहाँ एसेंस का यूज़ किया है और डिप लाइनर, तो लिक्विड लाइनर ही यूज़ करेंगे मस्ट क्योंकि शिमर के साथ वो ही बेस्ट जाएगा। और इसके एजेस थोड़े से फाइन रखेंगे, मिडल में से थोड़ा थिन रखेंगे, इनर आइज क्रिएट करेंगे इनर कॉर्नर्स और आउटर वी को थोड़ा सा विंक्ड करेंगे, ठीक है। ये मैंने अगेन यहाँ पर शिमर सेट किया है कॉर्नर्स पर और मैं अब अपने विंक लाइनर को इसे ज्वाइन कर लूँगी ताकि थोड़ा कंप्लीटनेस आए आई में और आउटर वी जो है क्लियर हो जाए। इसके बाद अगेन मैं अपना सिल्वर शिमर लेके इस तरीके से थोड़ी सी आई को शेप दे दूँगी ताकि प्रॉपरली लुक जो है वो सेट आउट हो जाए। आई होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।